तो अब ना शाम के 4:30 होने वाले हैं और मैं ना ये छोटी मेरी बेटी जो है उसको थोड़े से मखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, आज संडे है और फिर मैंने छोटी छोटी इसलिए बनाई है ना, मेरे यहाँ तो गाय है नहीं और फिर गाय को जाता है ना तो वो खाना कभी कभी ना बासी हो जाता है। इसी ने मुझे बोला छोले भटूरे बनाने के लिए तो मैं इसलिए बना रही हूँ। और ये दोनों आ गए, सीधा अंदर भाग गए, उसे लेके छुप क्यों रहे हो तुम मेरे से। तो अब ना शाम के 4:30 होने वाले हैं और मैं ना ये छोटी मेरी बेटी जो है उसको थोड़े से मखाने खाने हैं। पता नहीं कैसे खाएगी वो, इतने कड़क गले में तो उसके प्रॉब्लम हो रही है पर वो जिद कर लेती है। मेरा ना मूड बहुत ज्यादा अपसेट हो गया है। हमारे यहाँ बागेश्वर धाम वाले आए हुए हैं, यहाँ क्या है ये विवेक विहार दिल्ली में, यही थोड़े से आगे आए हुए। तो मैंने इन्हें कहा कि मुझे देखो, ये मैंने गिरा दिए इसमें ना बात करने के चक्कर में, तो इन्होंने मेरे को इतनी बातें सुना दी कि वहां इतनी भीड़ होगी और 7 लाख लोग जब आए थे, जब वो नोएडा आए हुए थे, अब तू जाएगी तो तुझे दिखेंगे नहीं, यहाँ तक बैठेगी। और मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना, और भी 2-4 बात सुना दी। मैं सासू माँ को कह रही थी मुझे नहीं पता, मुझे लेके चलो, एक तो मेरे बच्चे छोटे हैं और उनको संभालने वाला कोई है नहीं, मतलब आ तो जाती है मेरी भतीजी वगैरह, फिर भी उनका ट्यूशन चल रहा है, तो पता नहीं क्या क्या बातें बोल रहे हैं मुझे। मैं ये बोल रही हूँ दुनिया में हर काम हो रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। अब ऐसा तो नहीं मैं चोरी कर रही हूँ, डकैती डाल रही हूँ या किसी क्लब में जा रही हूँ उठपटांग खच्चे कर रही हूँ, दारू पी रहा है कोई, क्या कर रहा है, एक दूसरे का कत्ल कर रहा है, इतने जुर्म हो रहे हैं, कितने क्राइम मैंने गिनवा दिए। अरे एक भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं। चलो कोई भी है, अगर वो धर्म के नाम पे कोई अच्छी बात बता ही रहा है तो मुझे सुनने में ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा को तो मैं खैर देखती हूँ उनके वीडियोस, लेकिन उतना ज्यादा ना फॉलो नहीं कर पाती। पर मैं वो जो प्रदीप मिश्रा जी आते हैं शिव पुराण बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुनती हूँ, या वो एक और गुरु जी है जिनके किडनी में इशू है उन्हें भी मैं बहुत सुनती हूँ, परमानंद महाराज जो जो आपको पता होगा जो बहुत अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, तो इससे मन में एक शांति मिलती है, कुछ लॉस तो है नहीं। और भगवान का नाम लेने में, और कोई भगवान के बारे में कुछ भी कोई कुछ भी बोल दे ना जरा सा, मुझे इतनी आग लग जाती है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे मायके वालों के बारे में कुछ कह दिया होता है ना तो मैं अब तो मायके वाला समझती हूँ प्रभु को, वो बैठे माई का ससुराल क्या, दोनों एक ही है, मायके वाला क्या होता है। तो लड़की का तो आधा जीवन मायके में आधा जीवन ससुराल में, पर एक कहावत है ना लड़कियों के बहुत सारे मजाक बने हुए कि मायके वालों में बोल दो तो ज्यादा चिढ़ जाती हैं, तो मैं वही रख के बोल रही हूँ। ऐसा मैं कोई डिफरेंस नहीं बोलती कि मायका अलग है ससुराल अलग है, मेरे लिए तो दोनों ही सेम है। और खैर बात का टॉपिक ये था कि मुझे अगर कोई भगवान के बारे में कुछ भी उपदेश दे दे गलत लग जाए ना, मुझे कोई कह दे कि ऐसा मत कर, ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों, मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, मैं इतनी स्ट्रेस में चली जाती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों होता है, मेरे को खुद समझ में नहीं आता है। और फिलहाल ना चलो ये बातें छोड़ती हूँ, मैं बनाऊंगी चाय, बर्तन हो रहे हैं अभी ठंड में, चाय बना के देखे हैं करना क्या है। दोपहर को ना मैंने जल्दबाजी में चावल भी बना लिए थे क्योंकि खाली हो चुका है अब सुबह तो इनको पूड़ी का नाश्ता दिया, चावल बना दिए, अब बनाऊंगी चाय। तो अब हो गई है शाम और मैं बना रही हूँ क्या, घी या चने की दाल। पहले सोचा मटर मशरूम बनाऊं, फिर मैं कल नहीं, कल संडे है तभी बनाऊंगी उनके लिए। मेहनत वाले काम ना मैं बहुत कम करती हूँ अपने लिए ना, मेरे बस की नहीं, बस खाना बन जाए ना। 3 दिन से मैं लगातार सो नहीं रही क्योंकि मेरा बच्चा रोज रात को जागता है, 12 बजे 4 बजे सोता है, तो मेरे को और दिन में मैं वैसे ही नहीं सोती, 6 बजे उठना पड़ता है 5:30 क्योंकि उसे स्कूल जाना, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटा सो पाती हूँ। मेरे सीने में भी आज बहुत दर्द हो रहा है, कल मैं सोई थी थोड़ा बहुत पर सीने में इतना दर्द हो रहा है, या तो ना सोने की वजह से हो रहा है या फ्रिज खोलती हूँ इस वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। अभी मुझे डिनर बनाना है और 6:30 हुए हैं, जितना जल्दी मेरा ये काम हो जाए ना मेरे को उतना स्ट्रेस भी कम होता है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि मैं जब लेट काम करती हूँ ना मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो मेरी हालत इतनी बिगाड़ देते हैं, मेरे बाल से लेकर देखो कैसे भूत सा बना दिया मुझे ना इन बच्चों ने, ये मानते ही नहीं है इनको, अब ये कह रही खाना खाऊंगी जब फोन दो अपना। और मेरे को इतनी तेज नींद आ रही है, मैं 3 दिन से तो सोई नहीं हूँ और फिर भी इन बच्चों को ना मेरे पे जरा भी तरस नहीं आता है कि अपनी माँ पे तरस खा के थोड़ा खाना खुद खा लें, शोर कम मचाएं,
ऐसे कंटिन्यूअसली इतना शोर कर देंगे, मैं मेंटली ना ऐसा लगता है कि दिमाग मेरा भारी हो गया, ये नसें ना दिखने लग जाती है यहाँ की, दिमाग गर्मी लग रही है। बाबू वो बंद कर, दरवाजा बंद कर दे तू, गर्मी लग रही है। क्या करूँ, पंखा चलाऊ क्या या हिलाऊ रात को? तो मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही है और मेरा छोटा ये बच्चा यहाँ कूद रहा है, इसको अपना अपनी मस्ती चढ़ रही है। अभी आएगा मेरे पास, इतना तो मुझे पता है, ये बाबूजी आएंगे मेरे पास, चल के उधर जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही दिन निकल जाता है। मैं ना एक डेढ़ घंटा आराम करना चाहती हूँ, ऐसा होता है ना आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, सो जाओ रात में भी ना आप चैन की नींद नहीं सो सकते। क्यों बाबू सीधा कर दे, चुन्नट सीधा कर दे, ये सारा जो नीचे बिछा है। मुझे तो आ रही है नींद इसे खिलाने के बाद, अभी 7:30 हो रहे हैं, किचन का काम मैंने फिनिश कर दिया है। आप खुद पानी ला दे बाबू इसका, है ले ले खुद ले, सब चीज कैसे दूं हाथ में आपके, मैं भी तो इंसान हूँ यार, मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है, सब चीज इतने शोर शोर मचा देते हैं। सबसे ज्यादा ना आदमी नॉइस से डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब ऐसे करेंगे दो 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 दो, ये दो फोन भी दो दो दो, ऐसी जिद करेंगे। दूसरा कहेगी कि ये मैं खिलाऊंगी मैं खिलाऊंगी मैं खिलाऊंगी, मुझे नहीं दिया मुझे नहीं दिया, मम्मी खाना मुझे नहीं दिया। तो मतलब हाथ पैर फुलाने हो ना किसी के, तो इनसे सीखे बच्चों से, ये नादान प्यारे मासूम से दिखने वाले, देखो कितना प्यारा चेहरा है मासूम सा, ओहो मेरी क्यूटी पाई लग रही है, एक यहाँ रो रहा है, तू तो मेरी क्यूटी पाई है देखो। इन्हें खाना खिलाओ पहले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो मैं बना रही छोले भटूरे, आज संडे है और मैं मंदिर से हो आई ना अभी, तो इस वजह से मैंने ये डाला हुआ है। क्या तो सबसे पहले मैं गौ माता की इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी, और क्योंकि मैं भटूरे भी बना रही हूँ और पूड़ी भी बना रही हूँ, और मेरे बच्चे ने गेट खोल के बाहर खड़े हो गए हैं क्योंकि आज है संडे और उसके पापा राघव को लेके बाहर खड़े हैं, इसी वजह से। तो मैं हमेशा जल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि क्यों जलती हूँ, तो मैंने सोचा क्या पता पहले मैं गाय की माता की ना निकाल के अग्नि देवता को भूख लगा देती हूँ इस वजह से, तो आज पहले गाय की माता की निकालूंगी फिर अग्नि देवता को भूख लगाऊंगी। तो मैंने छोटी छोटी इसलिए बनाई है ना, मेरे यहाँ तो गाय है नहीं, और फिर गाय को जाता है ना तो वो खाना कभी कभी ना बासी हो जाता है। हाँ क्या बन रहा है? छोले भटूरे। अब मैं लगाऊंगी अग्नि देवता के भोग, तो वो भी छोटा छोटा ही बनाया मैंने, बाबू ना मेरी छोले भटूरे खाना चाहती है और मेरा भतीजा आने वाला है, इसी ने मुझे बोला छोले भटूरे बनाने के लिए, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। और ये दोनों आ गए, सीधा अंदर भाग गए, उसे लेके छुप क्यों रहे हो तुम मेरे से, दोनों के दोनों बाप बेटे। हाँ बिल्कुल राख भी लग रहा है बिल्कुल। तो ये हमने भटूरे बना दिए, पता नहीं ये बड़े होते होते ना क्यों छोटे हो जाते हैं, बनाती इतने बड़े हूँ और फिर ना ये सुकड़ के फिर छोटे हो जाते हैं। तो मैंने भटूरे बना दिए, खीर पूड़ी का भोग लगा दी थी मैं भगवान जी को, और छोले मैंने थोड़े ज़्यादा बना दिए क्योंकि कल व्रत करूँगी, बच्चे बीमार चल रहे थे, भगवान शंकर भगवान की मैंने कहा कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए तो व्रत करूँगी, तो वही व्रत करने बस। चावल बन ही चुके हैं और मैं पहले भोग की थाली तैयार करूँ। तो मैंने थाली रेडी कर ली है भोग की, जिसमें दिख रहा होगा छोले भटूरे, चावल मैंने थोड़े बनाए क्योंकि मेरा पेट ठीक नहीं चल रहा और मैं भटूरे नहीं खा पाऊंगी ज़्यादा, और ये थोड़ी सी खीर मैंने आज देवी माँ के लिए बनाई, काली माता की पूजा करती हूँ संडे को, वैसे उनका ना मुझे दिन पता चला मंगलवार और शनिवार है, पर शुरू से मैं संडे को पूजा करती आ रही हूँ देवी माँ की, तो मैंने भोग में थोड़ी खीर बना ली है, और बहुत दिन से सोच रही हूँ कि शुक्रवार को भी खीर बनाऊँ, माता लक्ष्मी का दिन होता है वो, पता नहीं क्यों मिस हो जाता है, मुझे खुद को पता नहीं चलता, चलो भगवान जब चाहेंगे जब होगा। और अभी मैं लगाऊंगी बाबा को भोग, फिर दूंगी बच्चों को खाना।